हम सब लोग जो है ना अपनी लाइफ में थोड़े से बदनसीब रह गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने फेलियर के बारे में हमारे मन में नेगेटिव बातें प्लांट की गई हैं। बड़े होते होते किसी ने हमें फेलियर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक बनाया ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा जो नोन पर्सन है वो लाइफ में फेल होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, तो दो तीन बार फेल अगर वो हो जाता है हमारी आंखों के सामने, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेज थी, उसका जो ऑनर था हमारे माइंड में, वो सबकॉन्शियसली डिक्रीज हो जाए। या फिर अपने ऊपर ही लेकर देख लीजिए, जब हम लाइफ में कहीं हारते हैं या फिर कहीं फेल होते हैं तो ज़्यादातर केस में हम डिप्रेस होते हैं, हम डिसअपॉइंटेड होते हैं, हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। तो ये जो फेलियर है ये हमारा क्या क्या ले जाती है, हम इसको अपना क्या क्या दे देते हैं, क्या कॉस्ट है जो हमें लगती है इस फेलियर को अपनाने की, उसे समझने के लिए मैं आकाश वी शर्मा आपका मोटिवेट मी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस बात को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने उस टाइम का जब हमने एक ड्रीम डिसाइड किया था। हम सोचते हैं कि हाँ हम ये एक्स पर्सन बनेंगे या फिर हम ये एक्स थिंग को अचीव करेंगे, तो वो जो ड्रीम हम फर्स्ट टाइम या शुरुआत में अपने माइंड में इस्टेब्लिश करते हैं वो फेलियर को अडॉप्ट करते ही चला जाता है। वो ड्रीम हमारे मन में क्या क्या विचार डालता है कि तू इस ड्रीम के काबिल है, तू इसे अचीव कर सकता है, तू डिजर्विंग है, तुझे बस मेहनत करने की ज़रूरत है और तू वहाँ पर पहुँच जाएगा। वो बिलीफ, वो फेथफुलनेस उस फेलियर को अडॉप्ट करते ही चली जाती है। अब वो बिलीफ फेथफुलनेस जो हमारे अंदर इमोशंस लाती है, उसकी वजह से हम हैप्पी फील करते हैं, लोगों से जॉयफुली हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, हमारे जीवन को जीने में एक एंथुजियाज्म होता है। वो एंथुजियाज्म, एनर्जी और हैप्पीनेस उस फेलियर को एक्सेप्ट करते ही डिके होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये उस फेलियर को एक्सेप्ट करते ही हम खो देते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब यही कॉस्ट है फेलियर की। अब ये शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है, इस शर्ट की लेट सपोज की कॉस्ट है एक्स रुपीज। अब ये एक्स रुपीज कॉस्ट मुझे कब अकर होगी? When I buy this shirt, if I don't buy this shirt, तो ये जो X cost है ये तो मुझे अकर होगी ही नहीं। But most people make this mistake here only, कि जब भी failure होती है they buy the idea of their failure, वो उसको embrace कर लेते हैं, वो उसको दिल से लगा लेते हैं, इसीलिए ये जितनी भी cost है ना वो उनको अकर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक positive angle भी है कि अगर हम इसे buy करें ही नहीं तो हमें कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब ये जो फेलियर्स हैं, आप कोई निराले नहीं हो इस दुनिया में जिसके साथ फेलियर्स हो रही हैं। एग्जांपल लेकर देख लीजिए, अब्राहम लिंकन का एग्जांपल ले लेते हैं, सभी जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल ले लेते हैं, महात्मा गांधी जी का एग्जांपल ले लेते हैं। करेंसी पे सब उनका फ़ोटो आज तक हटा ही नहीं है और मेरे ख्याल से कभी हटेगा भी नहीं। और एग्जांपल ले लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर का। अब हमारा जो मीडिया है, जो हमारे आसपास में न्यूज़ चैनल हैं या सोशल मीडिया है या फिर हमारी जो सोसाइटी है, क्योंकि सभी के माइंड में ये थॉट प्लांट है, फेलियर की जर्नी को लोग बताना ही नहीं चाहते हैं। सक्सेस 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 सक्सेस, इसी के गीत सब गाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हम केवल सक्सेस से अटैच होते हैं। और जो जर्नी है, जो फेलियर्स है जिससे वो लोग गुजरे, जैसे अब्राहम लिंकन जो थे वो 52वें राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत बड़े ट्रॉमेटिक स्टेज से गुजरे। ही लॉस्ट हिज वाइफ, उनका पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, तब जाके वो राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन, मोहब्बतें मूवी से पहले कितनी सारी उन्होंने फ्लॉप दी और उनका जो एक्टिंग करियर था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन मोहब्बतें से उन्होंने कमबैक किया। आज भी आप अमिताभ बच्चन जी की किसी स्पीच को सुनेंगे या उन्हें बोलते हुए पाएंगे तो वो यही बताएंगे कि वहाँ से जाकर उन्होंने फिर से टेक ऑफ किया था। एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी का ले लीजिए, उनकी तो बायोग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी एंटायर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन द मिस्टेक्स ही डिड एंड बिकॉज ऑफ विच द पीपल द बिग एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द वर्ल्ड आर लर्निंग मैग्निफिसेंट थिंग्स इन देयर लाइफ्स एंड दे आर इंप्लीमेंटिंग एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एप्पल।
जैसे स्टीव जॉब के चश्मे का स्टाइल जो है दैट इज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी जी, एंड इट्स नॉट समथिंग आई एम सेइंग, इट्स समथिंग स्टीव जॉब्स हैज सेड अबाउट महात्मा गांधी। और सचिन तेंदुलकर, याद होगा आपको, सब ने ये कह दिया था जब उनके बैक में प्रॉब्लम हुआ था कि इनका क्रिकेट करियर खत्म हो चुका है, बट स्टिल ही बाउंस्ड बैक, ही टुक दी स्टैंड एंड ही बिकेम गॉड ऑफ क्रिकेट। सभी को याद होगी उनकी रिटायरमेंट वाली स्पीच जिस पर पूरा जो देश था वो आंसुओं से रो रहा था। अब ये सारे लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन बने। क्यों बने? क्योंकि इन्होंने वो कॉस्ट पे करी है सक्सेस वाली। अब वो सक्सेस वाली कॉस्ट कौन सी है कि जब इनकी लाइफ में फेलियर अकर हुई तो इन्होंने उसको बाय नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ चीज़ें थी जो स्वीकार की। पहली विल पावर, इन्होंने विल पावर दिखाई। इन्होंने दूसरी चीज़ एटीट्यूड दिखाया कि ये जो फेलियर है ना टेम्परेरी है, दिस इज नॉट माई डेस्टिनी, आई डोंट बाय दिस, मैं तो वही बनने जा रहा हूँ जो मैंने डिसाइड किया है। तो पहली चीज़ इन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? एटीट्यूड, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड था। दूसरी चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट की विल पावर, कि इन्होंने जब कमर दर्द हुआ सचिन तेंदुलकर को, जब अब्राहम लिंकन जो थे वो उस ट्रॉमेटिक फेस से गुजरे, या फिर अमिताभ बच्चन का एक्टिंग करियर ख़त्म हो गया, उस समय भी इन्होंने बिलीव किया कि नहीं, एक बार फिर से खड़ा हो और चल कर देखा, और तभी ये लोग आज यहाँ पर खड़े हैं। तो द कॉस्ट ऑफ सक्सेस हुई वो हुई विल पावर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड अबाउट फेलियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई डीपली ऑनर योर पैशन फॉर लर्निंग एंड योर विलिंगनेस टू चेंज। आई बिलीव यू आर वन ऑफ दोज फ्यू हु वांट टू बी द न्यू यू। On this channel, I make videos that can add value to your life and to the society. So please don't forget to subscribe and stay tuned for more such upcoming videos. Moreover, if you are someone willing to transform yourself into your heroic version, I cordially invite you to visit our website and explore our program.